तो यहाँ पे दोनों नहा के आ गई है और गंगनम स्टाइल दरवाजा खुल ले कुछ यू आर नॉट डूइंग एनी सबसे ज्यादा अगर बोलोगे महंगा अगर मुझे कोई चीज लगा है तो ये दरवाजा क्या मतलब क्या समझ में आया पास्ता का लालच देके दूध खिलाया जा रहा है ये देखो आज बर्थडे नहीं है बर्थडे आने और पार्टी लेने के लिए ये वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम फीड और ट्रैवल। तो कैसे हो आप लोग और सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग और आई होप सब आप लोग अच्छे होंगे। आज मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे किचन टूर को आपने ढेर सारा प्यार दिया और बहुत ही हम लोगों ने प्यार से बनाया भी था उसको और उतना ही अपने सपोर्ट भी दिया। थैंक यू सो मच। अभी मम्पी और मायरल नहाने के लिए गई है। नहाने के बाद वो लोग पूजा करेंगे तो हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग डेली क्या करते हैं नहीं करते हमारा क्या रूटीन है। आज मैं भी पहले उठ गया बहुत जल्दी उठ गया भले ब्लॉग लेट से आएगा लेकिन हम लोग बहुत ही पहले उठ गए। तो चलिए पहले मम्पी और मायरा नहा के आए फिर हम लोग पूजा में बैठते हैं आप लोगों को भी लेके चलते हैं। तो ब्लॉग पे बने रहिएगा लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और आज हमारे घर पे क्या बना है खाना और वो सब दिखाने वाला हूँ और हमारे घर पे हमारे दोस्त भी आए तो बहुत इन्जॉयमेंट होगा और आज कुछ गेम भी खेलेंगे बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मिलवाता हूँ आपको मैं छोटी सी प्यारी सी जिसको आप लोग देखना पसंद करते हैं मायरा को। तो यहाँ पे दोनों नहा के आ गई है और बैठ के तुम देखोगी मम्मी को। मम्मी कैसे झाड़ रही है बाबू दिखाओ तो कैसे झाड़ रही है। वाह अरे बाबू ऊपर कैसे उठाई देखा गुड मॉर्निंग मायरा। कौन स्टाइल है यार ये कौन स्टाइल है ऊपर सेक्सी लेडी। तो नाश्ते में बना है पास्ता। नाश्ते में बना है पास्ता। मैंने इनको बोला चलो क्या क्या खाना बना है और बना है यहाँ पे भिंडी का भुजिया है यहाँ पे रोटी है यहाँ पे दाल है। दाल कैसा है मम्मी कौन सा कलर का दाल है बाबू उसको चिरकाने के लिए पानी ऊपर आ गया और यहाँ पे सब्जी यहाँ पे भी थोड़ा सा पास्ता है चावल है। पास्ता कुछ ज्यादा नहीं बन गया इसलिए ज्यादा है लोग भी ज्यादा है बाबू हम लोग कितना लोग है बताओ तो बताओ 4-5 6 लोग हम तो नहीं खाएंगे। आंटी को कुछ ज्यादा ही देर रख ली नहीं तो आप कल किचन का टूर देने के बाद आपको मम्मी दिखाई नहीं थी ये सब यूज करने दिखाई थी सब दिखाए थे और हम ना मेरा किचन के लिए ना एक एक चीज छोटू सा कढ़ाई ये तो आपने बहुत पहले व्लॉग में देखा होगा देखे होंगे। हाँ छोटे छोटे कुछ कुछ बोले ना हम कल ही बोले थे कि मेरा इस किचन में कुछ कुछ चीज मेरा इतना फेवरेट है कि हम नहीं बता सकते। बापरे पानी का ग्लास सारा था जो जो दीदी काज कर काम मतलब जो दीदी खाना बनाती है ना उनको मतलब समझ में नहीं आया वो इसी में सब ग्लास घुसा दे रहे। कोई बात नहीं वो हम आएंगे तो किचन में वही उस तुम उससे फोड़ती हो ना हाँ। सीधा हाथ कट जाएगा वो इससे कोई अंडा फोड़ता है यार इतना बड़ा तलवार से बेवकूफ हो गया जी। दरवाजा खुल ले कुछ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग मायरा चाचू अंदर है बाबू पेपर तुम फाड़ के रखी पेपर सारा फाड़ दिया बाबू क्यों मायरा अगर आप ऐसे घर गंदा करोगे तो कैसे क्या होगा। चुप चुप आने दो शेखर को बोलते हैं हम रुको नो सॉरी आने दो शेखर को बोलते हैं मेरा बेटी को
डांटेंगे। और गाइस आप गेस कर सकते हो इस दरवाजा में कितना खर्चा हुआ बनाने के लिए। सबसे ज्यादा अगर बोलोगे महंगा अगर मुझे कोई चीज लगा है तो ये दरवाजा बहुत ही ज्यादा महंगा लगा है मुझे। ये करीबन दो ढाई लाख पता नहीं, मैं या तो मैं लुट गया या मुझे बेवकूफ बनाया गया या क्या हुआ। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना इस दरवाजे में ऐसा क्या है जो 2 लाख रुपए। मतलब सिर्फ इसी दरवाजे में नहीं, बाकी के ये सारे ऐसे दरवाजे में ऐसे मिला के लग गया। और बट लग रहा है बहुत प्यारा, बहुत ही अच्छा लग रहा है दरवाजा, एकदम मस्त। हाँ होम टूर देंगे तो सबको एक एक चीज कहाँ है क्या है सीक्वेंस में आपको दिखाएंगे। ए क्या मम्मी, और मेरा प्ले बटन देख सकते हो, टू 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 टू। अभी इसको यहीं पे रखे हैं, बहुत जल्द बाबू। हाँ इसको थोड़ा ऊपर चढ़ा दीजिए ना। क्यों इस ये वो दूसरा बर्तन का है, बड़ा वाला बर्तन का। पापा को तो पापा इतना लंबा है, बोले क्यों नहीं कॉम्प्लेन पिलाने। कॉम्प्लेन इसका ट्रिक देखो, मुंह में है ना दूध। बहुत तेज बन रही है ना मम्मी बेटा। चलो बेटा और एक बार करो बेटा, तो हम इन लोगों को दिखा दे तुमको वो कैसे खाना खिलाते हैं। पास्ता का लालच देके दूध खिलाया जा रहा है ये देखो। वेरी मारा पास्ता कैसा है मारा? हाँ अच्छा था। अच्छा बताओ कैसा मुक्के का? बहुत टेस्टा, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा। मायरू एक ग्लास दूध पिएगा ना। और बर्थडे बॉय आज नहीं है, आप लोग रुक जाइए, डेट तो सुन लीजिए, सबर कर लीजिए। आज बर्थडे नहीं है, बर्थडे आने वाला है 10 तारीख को। 9 डेज लेफ्ट। और पार्टी लेने के लिए ये 9 डेज टू गो। कल से लड़ते आप लोग जैसे जैसे जो भी है जैसे जैसे चलता है। हम आप लोग एक चीज बताते हैं, आप लोग इधर आओ। उनको पता है तुम दूर के बारे में बताओगे, बता। ये बताया होगा इनको क्या, मतलब क्या समझ में आया ये डोर बना है। और हमको भी ऐसे लग रहा ना कभी कभी फील होता है कि मेरा डोर ना गोल्ड का बना हुआ है, ठीक है। ऐसे कभी कभी फील होता है भाई। कितना लिया था हम लोग का टोटल डोर? 2.5 लाख का 5 डोर बताओ। 5 डोर हाँ किचन, हाँ 5 डोर है। मतलब इतना क्यों, मतलब क्या ऐसे भी नहीं कि वो लोग अपना डोर दिया, जो इंटीरियर है वो लोग अपना डोर दिया। ये तुम्हें कॉस्टली पड़ गया, जो चीज हाँ। जो चीज अच्छा है वो अच्छा है। हम लोग का डोर लगा हुआ था उसमें वो लोग काम किया और इसको खूबसूरत बनाया, बहुत ज्यादा लग गया। और एक चीज हम बता, आई थिंक ये 2.5 लाख का नहीं है, मतलब डोर का ठीक है, अच्छा लग रहा है, नो डाउट, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये लॉक वगैरह चेंज किया है, लेकिन ये कह सकते हो कि एक डोर 50,000 का नहीं है मेरे हिसाब से। तो अगर आप पूरा डोर अपने से देते ना तब कुछ ठीक, मतलब ठीक तो नहीं फिर भी मान तो, लेकिन ये हम ही लोगों का डोर पे काम करके हो गया। चलो बट फिर भी ये बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है और बहुत जल्द आपको होम टूर भी देने वाले हैं। बस आज आपको मैंने दरवाजा मैंने किचन में दिखा दिया था, इसलिए मैं दरवाजा सोचा बता दो इसके बारे में। ये मतलब यूरोपियन स्टाइल शायद वही है ना? हाँ यूरोपियन, यूरोपियन स्टाइल में मुझे चाहिए था, तो मैंने घर का भी थीम मतलब दरवाजा वॉल ऐसा ही है, ऐसा ही है, तो मैंने सोचा ये करवा लूं। लेकिन बहुत प्लान चेंजेस हुए, बहुत चीजें चेंजेस हुए जिसकी वजह से पैसे लग गए, कोई बात नहीं मेरा मिस्टेक था। और एक चीज तो बोलेंगे कि मतलब जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए थे तो हम लोग भाड़ा वाला वहाँ पे थे, हमेशा हम लोग देखने आते थे कि कितना दूर काम हुआ। दो भैया हमेशा इसी यहाँ पे रहते थे और इसी को घिसते रहते थे। मतलब हमें ये लगता था कि डोर में इतना मेहनत क्यों, डोर में इतना क्यों मेहनत और काम है। हमको लगता है जितना हम लोग का रूम में मेहनत लगा है उतना डोर में। हाँ अच्छा तो ऑब्वियसली वो उतना पैसा लगेगा तो खूबसूरत लगेगा ही, लेकिन वही सोचते कि इतना बहुत मेहनत किया है, बालकनी भी अच्छे से बनाना है बहुत। अच्छा पापा एक बात हम पूछ रहे थे कि टाइल्स तो लेके आए, लगवाएंगे नहीं? काम खत्म हो जाएगा ना बेड वाला, लास्ट में लगाइएगा।
बेड़ वाला काम खत्म हो जाएगा, तब सब जंजाल वगैरह हटा के तब पूरा क्लियर आउट करके मस्त से एकदम सब कुछ हो जाएगा ना, एक लंबा सा सांस आएगा, डीप क्लीन जिस दिन हो जाएगा जिला दिया यार इंटीरियर सही और एकदम अच्छा नहीं लग, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि और बेटर। ए मैं आपको एक चीज दिखा, ना होम टूर में दिखाएंगे ना, सोचो प्ले बटन टांग के दिखाएंगे। नहीं नहीं होम टूर में, होम टूर में ही अच्छा लगेगा, अभी अच्छा नहीं लगेगा, अभी थोड़ा सा पकड़ 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 के कितना दिखाएंगे, यही नहीं हो रहा है, धैर्य नहीं हो रहा कि हम लोग लगा कब दिखाए कब दिखाए, हमको पता आप लोगों को भी ये हो रहा है। और किचन टूर वाला वीडियो में बहुत प्यार मिला भी हम दोनों को, हम लोग बहुत हैप्पी हो गए, मतलब सो के उठ के देख रहे हैं कि, और आप सभी का कमेंट बहुत अच्छा अच्छा आया है, बहुत अच्छा अच्छा नेगेटिव कमेंट एक दो आया वो तो आएगा ही, छोड़ो उसका, लेकिन बहुत अच्छा कमेंट है, मेरा दिल इतना खुश हो गया, मतलब बहुत अच्छा अच्छा कमेंट है, खुश हो गया। तुम ऐसे ही नया घर लेते रहो, किचन टूर देते रहो, है ना, बन मेरी रानी रानी। ओके तो अभी हम लोगों का कुछ प्लान बन रहा है कहीं बाहर जाने का, अगर हो प्लान बना तो जाएंगे, नहीं तो अरे ये ना हमको ऐसे बोलते हैं कि हमको बोल देता है, उसके बाद ना इनके पीछे पड़ जाते बाबू, बोली ना जो बोल रहे वो होगा, जो बोले होगा उसके बाद ना इसका कोई हाल चाल ही नहीं रहता, देख रहे हैं। अरे आपको जब देखना ही था तब हम उनको बोले क्यों बताओ, हमको ये नहीं होता सबर नहीं होता कि बोले है तो करो ऐसा है, अरे ये बहुत बदमाश है, ये ही काम नहीं बस हमको बोल देता। क्या बना रहे हो अभी? तो अभी हम बना रहे मेरे लिए चिकन सलाद, चिकन सलाद जो कि हम अभी भी खाएंगे रात में भी खाएंगे, एक ही दम बना ले रहे हैं रात के लिए हम रख देंगे। तो वीडियो को यहाँ पे करते हैं एंड, आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप फेसबुक में वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से फॉलो कर दो गाइस, बना लेते चिकन सलाद, बाय बाय।